दोस्तों आज मैं आपको उदबिलाव जानवर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उदबिलाव खेलकूद में दिलचस्पी रखता है। ये जानवर नदी या समुद्र के पास मौजूद ढलान वाले पत्थरों का इस्तेमाल किसी वाटर स्लाइड की तरह फिसलने के लिए करता है। इसके अलावा ये छोटे चमकीले पत्थरों को ढूंढ कर उनके साथ खेलते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं उदबिलाव का इंसानों की तरह सांप्रदायिक टॉयलेट होता है, जहाँ पर सभी उदबिलाव एक ही जगह पर मल त्याग करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं दक्षिणी बांग्लादेश के मछुआरे कई पीढ़ियों से उदबिलाव का उपयोग समुद्र से मछली पकड़ने के लिए किया करते हैं। इसके लिए वे स्मूथ कोटेड ओटर नामक उदबिलाव प्रजाति की देखभाल करने के साथ साथ उसे मछली पकड़ने की तालीम भी देते हैं। ये कार्य आज भी बांग्लादेश के नारियल जिले में हो रहा है। और क्या आप जानते हैं उदबिलाव के पास पानी के भीतर सांस रोकने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसकी तुलना समुद्री शेर से की जाती है। दोस्तों उदबिलाव पानी में पेट के बल सोते समय या खाना खाते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ताकि वे अपने मुख्य स्थान से पानी के बहाव में बहकर दूर न जाए। ये आदत विशेषकर माँ और बच्चों में नजर आती है। और क्या आपको पता है उदबिलाव अपने वजन का लगभग 25% खाना खा सकता है। समुद्री उदबिलाव अपनी नींद समुद्र के पानी पर तैरते हुए भी पूरी कर सकती है। और क्या आप जानते हैं उदबिलाव 5 से 10 के समुदाय में रहते हैं, और मछलियों का शिकार भी वे अपने झुंड के साथ पानी में घेरा बनाकर किया करते हैं। उदबिलाव सीपियों और शंख जैसे कवचधारी जीवों को भी अपना आहार बनाते हैं। इन जीवों के कवच को तोड़ने के लिए ये पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है वैज्ञानिक ने गैंट ओटर नामक उदबिलाव प्रजाति की 22 आवाजों का मतलब पता कर लिया है। उदबिलाव की बहुत सी प्रजातियां बेहद ठंडे पानी में रहती हैं। इन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा चयापचय क्रिया द्वारा मिलती है। इसी कारण इन्हें अधिक से अधिक खाने की जरूरत होती है। इसके लिए उदबिलाव को शिकार करने में अधिक से अधिक समय बिताना पड़ता है। और क्या आप जानते हैं उदबिलाव की अधिकतर प्रजातियां हर दिन 3 से 5 घंटे शिकार करती हैं। मादा उदबिलाव अपने बच्चों को खाना खिलाना या स्तनपान कराना होता है, जिसके लिए उसे अधिक खाना और ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए वह प्रतिदिन 9 से 10 घंटे शिकार करने में बिताती है। उदबिलाव की लुट्रा नामक जाति दुनिया में सबसे अधिक तादाद में पाई जाती है। उसे यूरेशियन उदबिलाव भी कहा जाता है। इसकी आदतें और शारीरिक रचना अन्य जातियों से अलग होती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नर उदबिलाव मादा को प्रजनन के वक्त काट लेती है। क्या आप जानते हैं उदबिलाव यह जानवर नेवला प्रजाति से संबंधित होता है। दोस्तों मादा अपने बच्चों को पानी के बहाव से बचाने के लिए उसको अपने पेट पर रख कर तैरती है या फिर आराम करती है। और क्या आपको पता है समुद्री उदबिलाव जमीन पर बहुत कम ही आते हैं। बहुत बार इन्हें पानी में ही अपनी टांगों को सीने पर रखकर चित्त होकर तैरते हुए देखा गया है। उदबिलाव के मल से आने वाली गंध किसी ताजा कटी हुई घास या फिर सड़ी हुई मछली जैसी होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं उदबिलाव के पैर झिल्लीदार होते हैं, जो इसे कुशलता से तैरने योग्य बनाते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है उदबिलाव पानी के अलावा जमीन पर भी रहने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इसे अर्धजलीय जानवर भी कहते हैं। उदबिलाव जितनी खूबी से पानी में तैरता है उतनी ही खूबी से जमीन पर दौड़ सकता है। नदी के उदबिलाव सिर्फ शिकार या फिर सफर करने हेतु जंगल में प्रवेश करते हैं, अन्यथा वे अधिकतर समय जमीन पर ही गुजारते हैं। जबकि समुद्री उदबिलाव के बारे में ऐसा नहीं है, वे अत्यंत जलीय हैं और अपने जीवन का अधिक से अधिक समय वे समुद्र में ही बिताते हैं। और क्या आपको पता है चीन में जापान की लोक कथाओं में भी उदबिलाव का उल्लेख मौजूद है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं अंग्रेजी में नर उदबिलाव को डॉग्स कहते हैं और मादा उदबिलाव को बिच कहते हैं। उदबिलाव के बच्चों को पप्स या फिर कप्स कहा जाता है। उदबिलाव के झुंड को बेबी लॉज और रॉम्प ये नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।